बाराबंकी में असंद्रा थाने के गेट पर खड़े ये सभी लोग मानपुर मकोहिया गांव के रहने वाले हैं। इन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने इनके गांव में कच्ची शराब बनने की सूचना मिलने पर दबिश दी थी और दबिश के दौरान इनके घर पर भी छापेमारी की थी। घर के सभी लोग पुलिस की दबिश से घबरा कर भाग गए। इनके घर की ये महिला जिसका नाम रुचि है, जब ये भागने लगी तो पुलिस ने इसके पेट पर लात मार दी। इसके पेट में गर्भ था और चोट लगने की वजह से इसकी मौत हो गई है। पूरा मामला ये, बगल में दारू बनती थी, वहाँ गए तलाशी लेने, जब ये डर के मारे भागी तो इसके पेट में लात मार दिया। इसके पेट में लात मार दिया, इसके पेट में बच्चा था, वो भी मर गया, उसका बच्चा भी मर गया। किसने लात मार दिया? दर वो पुलिस सिपाही ने। मानपुर में है जो है दारू के लिए जो दबिश डाला इन्होंने जी, और बगल में शराब बंदी थी, वहाँ बगल में गए, वो बगल में रहती थी, वो हमारे घर के घर से निकली और ये लोग जाने के लिए दारू लेकर भाग रही है, उसके डबल की दौड़ के लात मार दिया, उसके पेट में बच्चा था, मर गया, और दोनों चच्चा बच्चा दोनों साथ ही मर गए। बाराबंकी में हुए इस मामले से एक बार फिर खाकी को शर्मसार होना पड़ा है। इस बार फिर चंद पुलिस वालों की शर्मसार कर देने वाली जैसी हरकतों ने खाकी के दामन पर एक बार फिर दाग लगा दिया है। अब पुलिस महकमे के आला अधिकारी इस मामले में कोई कार्रवाई करने के बजाय दोषी पुलिस कर्मियों को बचाने में लगे हैं। अवैध शराब बनाने की शिकायत प्राप्त हुई थी और उस शिकायत पर पुलिस की टीम दबिश देने के लिए गई थी। जिन घरों में शिकायत थी उन घरों में पुलिस ने दबिश दिया और वहाँ से भट्टी एवं अभियुक्त पकड़े गए और पुलिस ला करके उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस के आने के एक डेढ़ घंटे बाद ऐसी चर्चा सुनी गई, मेरे द्वारा तत्काल क्षेत्र अधिकारी को वहाँ भेजा गया या CM गए वहाँ पर, और जांच पड़ताल से ये तथ्य प्रकाश में आया कि जिस महिला की मृत्यु हुई है वास्तव में उसके यहाँ पुलिस दबिश देने के लिए गई ही नहीं थी, और पुलिस के आने के बाद इस तरीके के लोग चर्चा करना शुरू कर दिए। ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि वह गाँव अवैध शराब के बारे में बदनाम है, वहाँ पर आबकारी विभाग और पुलिस विभाग प्रायः दबिश देती रहती है और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है। वैसे तो अभी तक की जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वास्तविकता की जानकारी के लिए मेरे द्वारा इसमें जांच के आदेश कर दिए गए हैं। क्षेत्राधिकारी हैदरगढ़ द्वारा इसकी जांच की जा रही है। महिला के शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यूं तो हमेशा से ही सुर्खियों में रहती है, फिर चाहे वो अपराधियों से साठगांठ की बात हो या फिर थाने आए पीड़ितों से दुर्व्यवहार की। अक्सर पुलिस घटनाओं पर लगाम लगाने से ज्यादा अपने व्यवहार और कार्यशैली को लेकर चर्चित नजर आती है। बाराबंकी से महमूद आलम, न्यूज 75.in।